वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्टर और पॉलिटिशियन मुकेश खन्ना के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुकेश खन्ना के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 19 जून 1958 को मुंबई में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 64 वर्ष के हैं। मुकेश खन्ना ने स्कूली शिक्षा उसी स्कूल से कंप्लीट की जहां से शक्ति कपूर और नसरुद्दीन शाह ने पढ़ाई की थी। वहीं इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से कम्प्लीट किया। वहीं इनका हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। मुकेश खन्ना भारतीय टेलीविजन के सबसे अधिक पहचाने वाले चेहरों में से एक है। इन्होंने वीआर चोपड़ा के टेलीविजन शो महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी और भारत का पहला सुपर हीरो शो शक्तिमान में शक्तिमान की भूमिका निभाई थी। मुकेश खन्ना का परवरिश मुंबई के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा कम्प्लीट होने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए साइंस को सिलेक्ट किया। मास्टर ऑफ लॉ में एडमिशन से पहले यह प्लास्टिक इंजीनियरिंग करना चाहते थे। लॉ में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद यह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे चले गए, जहां इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। 1981 की हिंदी फिल्म रूही में अपनी पहले शुरुआत के बाद खन्ना ने कैरियर में 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में इनका पहला ब्रेक थिएटर निर्देशक नरेंद्र बेदी ने इन्हें फिल्म खूनी में दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश खन्ना को फिल्मों में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह टेलीविजन ही था जहाँ यह सफलता के शिखर पर पहुंचे, विशेषकर बीआर चोपड़ा के महाभारत और शक्तिमान के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि भीष्म पितामह से पहले इन्हें महाभारत में दुर्योधन की भूमिका के लिए पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यह अपने कैरियर में निगेटिव रोल करना नहीं चाहते थे। कथित तौर पर खन्ना सिर्फ 30 साल के थे जब इन्होंने महाभारत में पितामह की भूमिका निभाई थी। प्रारंभ में खन्ना को पितामह की भूमिका के लिए दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यह महाभारत में अर्जुन या कर्ण का रोल प्ले करना चाहते थे। फिर दोस्तों, वर्ष 1997 में जब शक्तिमान आया तो इसने इन्हें भारत में और भी फेमस कर दिया। शक्तिमान भारत में 27 सितंबर 1997 को लॉन्च हुआ और 27 मार्च 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। इसी सीरियल ने इनकी रातों रात किस्मत भी बदल दी। शक्तिमान के पहले 15 एपिसोड के भीतर यह भारत का सबसे लोकप्रिय शो बन गया और खन्ना के अनुसार इन्हें हर हफ्ते दर्शकों से 50,000 से अधिक पत्र मिलते थे। शक्तिमान की लोकप्रियता ने तो हद पार कर दी थी और इसकी कहानियों को द वॉल स्ट्रीट जर्नल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी छापा गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक एक्टर होने के अलावा एक लीडर भी हैं। इन्होंने वर्ष 1998 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने देश भर के विभिन्न चुनावों के लिए प्रचार भी किया। अप्रैल 2015 में मुकेश खन्ना को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश खन्ना का एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम है भीष्म प्रोडक्शन। दोस्तों, यदि बात करें मुकेश खन्ना के नेटवर्थ के बारे में तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ करीब $5 मिलियन के आसपास है। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनके पास एक मर्सिडीज बेंज कार है। तो दोस्तों, यह थी मुकेश खन्ना के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।